आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और डिलीशियस सी लीची खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे इस सीज़न में ज़रूर ट्राई करें। चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैंने 1 kg लीची ले लिया है, उसमें से 1/2 kg को मैंने कट करके ले लिया है, पाउडर शुगर ले लिया है, मिल्क मेट ले लिया है और 1/2 kg लीची को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है, फ्रेश क्रीम्स ले लिए हैं और साथ ही मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करके इसे बॉईल कर लिया है और इसे रूम टेम्परेचर तक मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। सबसे पहले मेरा जो लीची ग्राइंड करके रखा था वो ऐड कर देना है। अब मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क मेड ऐड कर देना है। अब मैंने इसमें 2/3 कप पाउडर शुगर ऐड कर दी है। आप शुगर अपने टेस्ट अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने अपना फ्रेश क्रीम ऐड करना है। सबसे पहले फ्रेश क्रीम को एक बोल में ट्रांसफ़र करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। फिर हमने ऐड करना है ताकि उसके छोटे छोटे लिम्स फॉर्म ना हो। लीची खीर बनाते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। फर्स्ट, आपका मिल्क ठंडा रहना चाहिए। गर्म दूध के अंदर इन सारी चीज़ों को हमने ऐड नहीं करना है। या आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें या आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। और सेकंड, ये फ्रेश क्रीम को डायरेक्ट ऐड ना करें, उसे मिक्स कर कर ऐड करें। ये देखिए, अब हमने इसमें अपना लीची को जो कट करके रखा था वो ऐड कर देनी है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप ऐड कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल हो तो ऐड करें, वरना आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसकी सर्विंग कर दी है। मैंने इसकी सर्विंग थोड़ी सी चेरी के साथ की है, ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निश कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर ले फ्रिज में, फिर इसे आप इंजॉय करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।